हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज बात करेंगे फिनोटेक्स केमिकल शेयर के चार्ट एनालिसिस के बारे में और देखेंगे कि किस तरीके का इसका जो है चार्ट पैटर्न बना हुआ है और आगे आपको किस तरीके का बिहेवियर जो स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। ये देखें आप, ये चार्ट पैटर्न जो है बना हुआ है फिनोटेक्स का, बहुत ही शानदार वैसे कहेंगे कि चार्ट जो है इसका बना हुआ है। अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर जो है स्टॉक जो है अपनी इस समय पे जो है चल रहा है। और इस समय पे अगर RSI की अगर बात करें तो RSI भी इस समय पे देख सकते हैं आप 76 की जो है बोल रही है। ये चार्ट पैटर्न जो आप देख रहे हैं, ये मंथली कैंडल्स जो है बनी हुई है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंथली कैंडल की, चार्ट पैटर्न्स की। मंथली कैंडल एक बार जो है देखेंगे इसकी कि किस तरीके से जो है बनी हुई है, तो थोड़ा एक लॉन्ग टर्म का जो है आइडिया लगेगा कि किस तरीके का जो है इस समय पे ये चार्ट जो है आगे अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अब मैं पहले आपके सामने जो है पूरा इसका होल टाइम का जो है चार्ट पैटर्न में आपके सामने रख दूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस इसकी जो है 2020 के बाद से ही आना ज्यादा अच्छी खासी जो है स्टार्ट हुई है। उससे पहले ये चार्ट जो है कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है और इस स्टॉक का चार्ट कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है उसने। लेकिन 2020 के बाद में आप देख सकते हैं, जब से कोविड का जो टाइम जो गया है उसके बाद में इसने जो है एक जबरदस्त तेजी जो है पकड़ी है। ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जिन्होंने जो है जबरदस्त तेजी जो है पकड़ी है ये 2020 के बाद में, कोविड के 2020 में जो कोविड जो आया उसके बाद में देख सकते हैं आप एक जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है बहुत से स्टॉक्स ने जो है पकड़ी है। इसने भी जो है एक अच्छी खासी चाल दिखाई है। अब इससे पहले का आप एक बार पहले चार्ट देखने की कोशिश करें कि इससे पहले कैसा चार्ट था। 2020 को आप भूल जाएं, 2020 से पहले का चार्ट अगर आप देखेंगे तो कोई खास परफॉर्मेंस जो है इस स्टॉक ने नहीं दिखाई है। हालांकि ठीक है, 2015 से लेके और यहाँ पे अगर आप देखें 2015 से लेके और 2018 तक, 2017 तक, एक ये 15, 16 और 17 आप देख सकते हैं ये स्टॉक जो है कंसोलिडेशन वाले फेज में ही रहा है ज्यादातर। 2017 में इसके अंदर जो है लास्ट मंथ के अंदर जो एक अच्छी खासी तेजी आई और 2018 में जो है उसने जो तेजी जो आई थी उसको जो है कंप्लीटली खत्म कर दिया जो तेजी जो आई थी। और फिर 2018 से देख सकते हैं इसके अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला और स्टॉक जो है फिर दोबारा से, लेकिन 2020 के बाद 2020 में देख सकते हैं स्टॉक में जो है बहुत बेहतरीन तेजी जो है देखने को मिली। प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखा जाए उसके हिसाब से तो लगता है कि स्टॉक जो है कुछ खास बढ़िया परफॉर्म नहीं कर सकता है आने वाले टाइम में। पॉसिबिलिटी है, मतलब थोड़ा सा, मतलब ये है कि एक प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे, पिछले एक 5-6 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड अगर उठा के देखा जाए तो चार्ट कोई खास नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से इसका जो है ये चार्ट जो बना हुआ है, एक अच्छा खासा रनर अप ऑलरेडी जो है स्टॉक को मिल चुका है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो सकता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपके सामने एक फंडामेंटल भी रखूंगा। इसके बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल जो है इसके बनते चले जा रहे हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है, अच्छे जो है अर्निंग्स इनकी जो है आती हुई दिख रही है। तो उसका जो है असर कहीं ना कहीं आप इस समय पे चार्ट पे देख रहे हैं। चार्ट में भी जो है दमदारी देखने को मिल रही है, बढ़िया परफॉर्मेंस जो है चार्ट पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे लेकिन क्या अब ये परफॉर्मेंस बरकरार अभी रहेगी आने वाले टाइम के लिए, स्पेशलिटी केमिकल से रिलेट करता है ये स्टॉक। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या अब ये परफॉर्मेंस यहाँ से और भी तेज दौड़ेगी, यहाँ से और जो है इसके अंदर तेजी होगी, या अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है रुकता हुआ नजर आ सकता है, वो सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे अगर आपके पास में ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने इस स्टॉक को ले रखा है तो ये आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आपने ले रखा है तब भी जो है ये इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इस समय पे ये स्टॉक ऐसी पोजीशन पे खड़ा है जहां पे मेक और ब्रेक की सिचुएशन जो है बनी हुई है। अब मैं आपके सामने ये वाली कैंडल का बताऊं कि ये जो कैंडल जो बनी है, ये कैंडल ये इंडिकेट कर रही है कि अब यहाँ पे कहीं ना कहीं तेजी का जो माहौल इसके अंदर था वो रुकता हुआ दिख रहा है। ये कैंडल वो इंडिकेट कर रही है क्योंकि ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है और एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड आने के बाद में ये कैंडल जो है यहाँ पे इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि जो बुल रन था वो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे रुकता हुआ नजर आ रहा है। और वही चीज जो है हुई भी है,
और जो इंडिकेशन इस कैंडल ने जो दिया था, नेक्स्ट वाली कैंडल ने उसको करके दिखाया भी है। आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा जो है करेक्शन स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। लगभग लगभग इस वाली कैंडल ने जो है 50 पॉइंट का करेक्शन दिखाया है, 200 रुपए से 150 रुपए तक जो है ये स्टॉक ब्रेक होता हुआ दिखा है, तो आप देख सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं इसने ये जो इंडिकेशन जो दिया है इसको कहीं ना कहीं अब ये नेक्स्ट मंथ की जो कैंडल है ये इसको फॉलो कर रही है। अब मैं कैसे आपको ये कह रहा हूं कि ये जो है फॉलो कर रही है, इसके पीछे एक रीजन ये है कि आप ये जो रेड कैंडल की जो बॉडी जो देख रहे हैं इसका जो अपर साइड है वहां पे तो जो है ये कैंडल नहीं बनती हुई दिख रही है, अपर साइड वाले एरिया में तो कैंडल नहीं बन रही है, लोअर साइड वाले एरिया में जो है कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। आप ये समझें, अगर ये अपर साइड वाले एरिया में अगर इसका कैंडल का फॉर्मेशन होता तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो है इसकी एक डायरेक्शन थोड़ी एक अपसाइड वाली हो सकती थी, लेकिन लोअर साइड से ही देख सकते हैं आप जो है इसके अंदर एक ये कैंडल बनती हुई दिख रही है। इसका जो बॉडी है, इसका जो लोअर एरिया है, वहीं से जो है बॉडी इसकी जो है सरकती हुई नीचे दिख रही है। अब यहां से पॉसिबिलिटी मेरे को एक ये लग रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं शूटिंग स्टार बनी, शूटिंग स्टार बनने के बाद में इस कैंडल ने जो एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया, लेकिन शूटिंग स्टार से प्रीवियस वाली जो कैंडल है इसका जो लो है इसको ब्रेक नहीं किया है इस कैंडल ने, तो मतलब इतना तो तय है कि अभी भी स्टॉक जो है अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर अवेलेबल है। लेकिन एक दायरे में जो है ये फंस चुका है। दायरा क्या है? दायरा बन चुका है इसका 200 रुपए से लेके 150 रुपए तक। अब यहां पे होगा क्या, मेरे को जैसा लग रहा है कि यहां पे अभी इसके अंदर दोबारा से बिकवाली हावी होती हुई दिखेगी। अगर मार्केट यहां पे सस्टेन करती है या मार्केट यहां से और ऊपर जाती है, पॉसिबिलिटी है ये स्टॉक जो है दोबारा से 200 रुपए तक जाता हुआ दिखे, 202, 203, 205 भी हो सकता है जाता हुआ दिखे, लेकिन मुझे लगता है कि वो टिकेगा नहीं, वो भाव टिकेगा नहीं। और वो भाव अगर नहीं टिका तो आप देखेंगे दोबारा से इसके अंदर एक जो है बिकवाली हावी होती हुई आपको दिख सकती है, क्योंकि जब तक इस वाली कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक नहीं होगा, जब तक जो है इस कैंडल का जो हाई है जो वो ब्रेक नहीं होगा, जब तक जो है शूटिंग स्टार का जो पैटर्न है वो ब्रेक नहीं होगा, मतलब वो डिसमिस नहीं होगा, वो जब तक बना रहेगा जस का तस, और वो प्रेशर डालेगा इस पे डाउन साइड का। अब यहां पे एक चीज मेरे को ये लग रही है कि ये वाली जो कैंडल बनी है इसका जो लो है 150 रुपए का, वो अब यहां पे एक स्टॉप लॉस का काम करेगा इसके लिए, यहां पे वो स्टॉप लॉस का काम करेगा, क्योंकि अभी ये इस समय पे कहां पे खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है 180 रुपए पे, 180 रुपए पे स्टॉक जो है इस समय पे है अवेलेबल, 150 रुपए का जो है एरिया इसके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अगर ये 150 रुपए का भी स्टॉप लॉस अगर ये ब्रेक करता है स्टॉक, ये भी बहुत जरूरी है, अगर ये 150 रुपए का स्टॉप लॉस ब्रेक करता है और उसके नीचे अगर ये स्टॉक अगर जाने की कोशिश करता है, मतलब ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसके लो को अगर ये ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो फिर आप देखेंगे इसके अंदर जो है और आपको फिर बिकवाली देखने को मिल सकती है, थोड़ा और बिकवाली जो है जा सकती है इसके अंदर देखी जा सकती है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी पोजीशन नहीं देखने को मिल रही है। 145 रुपीस का जो है अभी तक तो जो है ये ब्रेक नहीं हुआ, 145 वाला जो एरिया है इस वाली कैंडल ने तो नहीं किया है। अब ये कैंडल कहीं ना कहीं जो है कोशिश करती हुई दिख सकती है इस वाले एरिया को ब्रेक करती हुई। अगर ये ब्रेक नहीं हुआ इस वाली कैंडल के थ्रू भी, और ये कैंडल भी कहीं ना कहीं जो एक अच्छा खासा डाउन साइड दिखा के दोबारा से अगर कहीं ना कहीं जो है फिर दोबारा से एक अपसाइड से में जाती है, मतलब यहीं के यहीं अगर बंद होती है जैसे ये बंद हुई है अपसाइड में ही, तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर ये जो है ये वाला जो पैटर्न जो बना है, ये वाली जो कैंडल बनी है इसको ब्रेक करने की जो है ये कोशिश करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली सिचुएशन ये बन रही है कि यहाँ पे फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी है, या ऑलरेडी आपने 200 रुपए, 230 रुपए, 225 रुपए पे अगर आपने इसके अंदर बाइंग कर ली है, तो मेरे को तो ये लगता है कि अब ये यहाँ पे लेने वाला है टाइम, ये हो गया टाइम टेकिंग स्टॉक। हाँ, लेकिन अगर ये वाली कैंडल ही
जो है 200 रुपए के ऊपर निकल के, और यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा समय अगर बिताती है, ज्यादा से ज्यादा समय अगर ये देती है यहाँ पे, मतलब यूं समझ लो कि अगर ये जून वाली कैंडल जो है यहाँ पे करीब अपने 15-20 दिन अगर दे देती है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये स्टॉक जो है बहुत जल्दी फिर आपको जो है अपने जो अप ट्रेंड जो इसका जो चल रहा था उसको ही जो है ये रिज्यूम करता हुआ दिखेगा, पॉज नहीं होगा। अभी तो यहाँ पे जो है ये इंडिकेट कर रही है कि पॉज हो चुका है, मतलब अभी यहाँ पे जो एक अच्छा खासा जो इसका जो ट्रेंड जो चल रहा था, बुलिश ट्रेंड जो चल रहा था, वो अभी रुक गया है। अब ये जब तक रुका रहेगा, जब तक इसका जो हाई है वो ब्रेक नहीं होगा, उसका जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, जब तक ये रुका रहेगा, तो यहाँ पे अब इसी चीज को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें कि नीचे 150 रुपए का जो एरिया है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये 150 रुपए वाला एरिया अगर ब्रेक होता है, ये जो सपोर्ट अगर ब्रेक होती है, तो समझ लो कि स्टॉक थोड़ा सा फिर रुकने वाला है कुछ ठीक ठाक समय के लिए। और अगर ये 180 रुपए या 200 रुपए के ऊपर अगर ये रुका रहा, तो समझ लो 200 रुपए के ऊपर, खासकर 200 रुपए के ऊपर जितना ज्यादा से ज्यादा समय जो है ये बिताएगा उतना ही बेहतर रहेगा, इसके ऊपर जाने के जो है रास्ते खुले रहेंगे। और ये 200 रुपए के नीचे जितना ज्यादा से ज्यादा जो है समय बिताएगा उतना ही जो है इसके दर्शन आपको नीचे जाते हुए दिखेंगे। हाँ, इतना नहीं है कि आपको जो है इसके अंदर जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग, रिकॉर्ड जो है फॉल देखने को मिलेगा, लेकिन अगर 150 रुपए वाला अगर एरिया अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको एक ठीक ठाक फॉल फिर देखने को मिल सकता है, इतना बिल्कुल जो है इसके अंदर हो सकता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिबोनाची लगा के और बताऊं कि इसमें फिबोनाची लगा के जो है क्या सिचुएशन जो है इसके अंदर बन रही है। तो ये मैं एक साल की फिबोनाची लगा रहा हूँ, 56 रुपीज के आसपास था ये 2021 में, और 2021 में इसने जो लो, जिसने जो हाई बनाया है वो बनाया है 150 रुपए के आसपास का, मतलब इसका जो लो था वो था 56 रुपीज के आसपास का, और इसने जो हाई बनाया है वो बनाया है 150 रुपए के आसपास का। अब यहाँ से सिचुएशन क्या होगी ये थोड़ा सा बात करेंगे कि यहाँ से जो है ये सिचुएशन इसकी संभलेगी या क्या होगा। अब यहाँ पे आप ये चीज तो जरूर देख रहे होंगे, ये नोटिस जो है कर रहे होंगे कि इस वाली कैंडल ने, ये जो प्रीवियस मंथ की जो कैंडल बनी थी, ये प्रीवियस मंथ वाली जो कैंडल जो बनी थी, इसका जो लो है 0% का जो सपोर्ट है, इसको जो है कहीं ना कहीं जो है एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है इसने 0% के आसपास। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि ये वाली कैंडल जो है सपोर्ट नहीं ले रही है 38.2% की रेजिस्टेंस के आसपास, वहां से जो है ये नीचे जाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे बेसिकली बन यही रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है 0% वाला, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये स्टॉक आपको जो है बड़े आराम से 38.2% का जो सपोर्ट लेवल है वहां तक जो है फिर ये फिसलता हुआ दिख सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है फिर इसके अंदर। अब वो सपोर्ट आ कहां रहा है, वो सपोर्ट आ रहा है आपका 110-115 रुपए के आसपास, तो यहां तक जो है फिर ये फिसल सकता है, मतलब 80 रुपए का डाउनफॉल मुमकिन नहीं है, मतलब एक नामुमकिन वाली चीज है जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, क्योंकि प्रेशर आएगा बहुत ज्यादा अगर ये स्टॉक 200 रुपए के नीचे ज्यादा से ज्यादा अगर रुका रहा, और खासकर 180 रुपए के नीचे अगर ये ज्यादा से ज्यादा टाइम तक अगर रुका रहा तो यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा बना हुआ है इसका गड़बड़, और ये गड़बड़ जब तक रहेगा जब तक इस वाली कैंडल का जो है ब्रेकआउट नहीं मिलेगा जल्दी से जल्दी। इस वाली कैंडल का ब्रेकआउट बहुत जल्द जो है मिलना चाहिए, बढ़िया रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट जल्दी नहीं मिला तो यहाँ पे होगा ये कि एक ये कैंडल में, जैसा मैं आपको जो है यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है ये कैंडल का फॉर्मेशन, ये और नीचे जा सकती है, फिर इस वाली कैंडल का जो हाई रहेगा पॉसिबिलिटी है कि वो भी ना ब्रेक हो, फिर ये जो है स्टॉक इस तरीके से जो है कोशिश करेगा नीचे आने की, इस तरीके से अगर ज्यादा ब्रेक नहीं होना है इसको तो इसी तरीके से गिरेगा, और अगर इसको ज्यादा ब्रेक होना है बहुत जल्दी तो ये जो है यहाँ से ये कैंडल जो है बहुत तेजी से जो है नीचे आती हुई दिखेगी, अदरवाइज ऐसे जो है ये ब्रेक होता हुआ दिख सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पे। अब यहाँ पे सपोर्ट तीन जगह पे जो है मिलती हुई दिख सकती है इसको, एक तो इस वाली ग्रीन कैंडल की, और ये वाली जो ग्रीन कैंडल की जो सपोर्ट है अगर ये ब्रेक होती है
तो समझ लो ये जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो रही है, मतलब शूटिंग स्टार से पहले वाली कैंडल की सपोर्ट ब्रेक होना इंपॉर्टेंट जो है, इसकी जो है सपोर्ट ब्रेक हो रही है, उसके बाद में पूरा जो है शूटिंग स्टार का जो एक कैंडल है वो पूरा जो है उसका नींबू निचोड़ेगी फिर अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे इस चीज को जरूर जो है समझ के चले। और ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल वही अभी तो फिलहाल यही इंडिकेट कर रही है कि वो सपोर्ट ब्रेक नहीं करनी है, नहीं हो रही है। अब ये वाली कैंडल क्या करेगी ये देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, एंट्री के लिए, फ्रेश एंट्री के लिए अभी थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, फ्रेश एंट्री के लिए तो खासकर वेट करना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए इसको कि ये स्टॉक अब नीचे की रास्ता पकड़ता हुआ दिख रहा है या ऊपर का रास्ता पकड़ता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे जो है मैं आपके सामने पहले वीकली कैंडल भी रख देता हूं, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा आपको जो है और एक आइडिया लग जाएगा। वीकली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है एक अच्छा खासा फॉल दिखाने के बाद में आप देख सकते हैं वीकली कैंडल ये यहाँ पे देख ही रहे होंगे, ये फॉल जो है आया है इसके अंदर, और ये फॉल जो आया है और इस फॉल के बाद में आप ये चीज जरूर जो है नोटिस कर रहे होंगे कि ये वाली जो कैंडल बनी है, मैं आपके सामने जो है रख देता हूं इस कैंडल का फॉर्मेशन, ये वाली जो कैंडल बनी है वीक में, तो ये कहीं ना कहीं जो है हैमर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। एक अच्छा खासा डाउनफॉल आने के बाद में ये हैमर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, और ये हैमर पैटर्न जब तक जो है जीवित रहेगा, जब तक जो है इसका जो लो है वो ब्रेक ना हो, खासकर इसकी जो बॉडी का जो लो है वो ब्रेक ना हो, तो ये कैंडल अगर ऐसा ये कैंडल तो जो है बन गई, इस कैंडल का तो काम हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल जो है क्या करेगी वो देखना बहुत जरूरी है। ये इसको अभी अब अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देख, मतलब अगर वीकली कैंडल के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक जो है कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है, गिरने की कोशिश नहीं हो रही है। अगर शॉर्ट अगर आप वीकली कैंडल के हिसाब से देखें, क्योंकि ये हैमर पैटर्न बन गया यहाँ पे, और ये एक अनडिसाइडेड कैंडल, दूसरी कैंडल जो है बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे अब यही देखना है कि ये वाली जो कैंडल बनी है हैमर वाली, इसका जो है जो लो है ये ब्रेक होना है, और या इसका जो है लो ब्रेक होना है, ये जो है चीजें डिसाइड करेंगी आने वाले जो है वीक के अंदर। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो फिलहाल जो है पोजीशन इसकी खराब दिख रही है, संभल के रहना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए इसको, और बेसिकली क्या करना चाहिए आपको फ्रेश बाइंग के लिए, आपको जो है इसके अंदर थोड़ा टाइम देने के बाद में अगर आपको जो है ये स्टॉक कहीं ना कहीं 155 150 रुपए के आसपास अगर ये मिलता है, 160 रुपए तक रख लो, 150 से 160 रुपए के आसपास अगर ये मिल जाता है बिल्कुल वहां पे जो है बाइंग करनी चाहिए। अगर वहां पे आपको अगर ये नहीं मिलता है और ये स्टॉक यहाँ से जो है ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो 200 रुपए के आसपास जो है इसको बाई करना चाहिए। लेकिन 200 रुपए के ऊपर अगर ये निकल जाता है वहां पे अगर आप बाई कर रहे हैं तो नीचे जस्ट आपको 20 रुपए का ही स्टॉप लॉस लगाना है 180 का, क्योंकि फिर वो सपोर्ट एक अच्छा खासा काम करता हुआ दिखेगा। 180 का सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो सीधे 150 तक ही जो है ये स्टॉक खिंचा चला जाता है, वो आपने देखा ही है प्रीवियस कैंडल के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रह के इस पे जो है काम करना चाहिए, टाइम लेगा, टाइम टेकिंग अब ये बन चुका है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है बहुत जल्दी अब ये पैसा देने वाला है। और ये पैसे क्यों नहीं देगा वो मैंने आपके सामने जो है रख ही दिया है, इसका जो है एक रीजन बता ही दिया है मैंने आपको कि क्यों अभी ये बहुत जल्दी जो है पैसे नहीं देने वाला है स्टॉक। तो थोड़ा संभल के काम करें इसके अंदर, क्वांटिटी को थोड़ा हल्का रख के भी जो है काम किया जा सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक भारी भरकम क्वांटिटी न रखें। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने ले रखा है स्टॉप लॉस को जो है ध्यान में रखें, एक स्मॉल कैप ही कंपनी है तो यहाँ पे कभी भी धोखा भी दे सकती है, आप देख ही सकते हैं प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड। हालांकि प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड से अब के जो ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हो वो बहुत ही जो है डिफरेंट हो चुके हैं, अर्निंग्स भी डिफरेंट हो चुकी हैं, लेकिन तब भी थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए कि कैसा जो है इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, दोबारा से कहीं जो है गड़बड़ करने की कोशिश ना करे ये स्टॉक। क्योंकि यहाँ पे भी मैं आपके सामने रख दूं कि ये जो तेजी जो बनी थी उसके बाद में देख सकते हैं इस कैंडल ने जो है तेजी को रोक दिया और फिर से जो है ये धड़ाम सीना नीचे जाता हुआ दिखा है स्टॉक। तो इसको जो है बिल्कुल ध्यान में रखें, उसी तरीके से जो है इसमें आप अपना एक्शन लें, बढ़िया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।